आज का वीडियो बताओ कि यार सर्किट ब्रेकर। आज के वीडियो में हम 3D में देखेंगे कि यार सर्किट ब्रेकर कैसे इंडस्ट्री में और सबस्टेशन में आर्क को एक्सटिंग्यूश करने में हेल्प करता है। तो पूरा हम 3D में देखेंगे सब कुछ, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यार सर्किट ब्रेकर हमें ओवर करंट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करता है एंड अर्थ फॉल्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है। यार सर्किट ब्रेकर का जो करंट का जो रेटिंग होता है वो होता है 800 एम्पीयर से लेकर 10000 एम्पीयर तक एंड इसका जो वोल्टेज का जो रेटिंग होता है वो होता है 450 वोल्ट से लेकर 1 kV। ये आप मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो एंड ऑटोमेटिकली ये ऑपरेट होता है। अब इसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्यूश करना, मतलब आर्क को बुझा देना। जैसे कि हमने ऑयल सर्किट ब्रेकर में देखा था, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में देखा था, वैसे ही ये आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है एआर सर्किट ब्रेकर कम टाइम। कैसे काम करता है, इसका जो मेन जो फंक्शन है वो क्या करता है, कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है। जो मेन जो पार्ट्स जो है जो कि आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है वो हम देखते हैं, उसके बाद सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो, एक मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और एक फिक्स कॉन्टैक्ट होता है। बहुत तरह का एआर सर्किट ब्रेकर होता है लेकिन सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम है, सबका जो मेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है सबका सेम है। अगर आप एक समझ गए तो सब समझ जाओगे क्योंकि सबका वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सेम ही है। ये देखो, यहाँ पर एक फिक्स कॉन्टैक्ट है एंड यहाँ पर एक मूविंग कॉन्टैक्ट एंड ऊपर लगा है कुछ आर्क स्प्लिटर। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि कैसे ये आर्क को स्प्लिट करता है, कैसे कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है। उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो एक हैंडल देखो, ये हैंडल क्या करता है, जो यहाँ पर जो ये नाम क्या है इस सर्किट ब्रेकर का, यार सर्किट ब्रेकर। तो ये मेन काम क्या करता है, एयर की हेल्प से आर्क को एक्सटिंग्यूश करता है। अब ये जो सर्किट ब्रेकर है इसके अंदर ना एयर रिजर्वर टैंक होता है। ठीक है, अब उस एयर रिजर्वर टैंक में हम क्या करते हैं कि इस हैंडल की हेल्प से या फिर ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक मोटर लगा है, हैंडल की हेल्प से या फिर मोटर की हेल्प से हम इस टैंक में, इसके अंदर जो टैंक लगा है एयर रिजर्वर टैंक, उस टैंक के अंदर एयर को कंप्रेस करके स्टोर करते। ये आगे कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पर सबस्टेशन में जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर मान लो हमने ये एयर सर्किट ब्रेकर कनेक्ट किया है। अब ट्रांसफार्मर से मान लो कुछ देर के लिए ओवर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये उस ओवर करंट को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने पर क्या होगा, यहाँ पर जो एयर रिजर्वर टैंक है यहाँ पर एक मैकेनिज्म लगा होता है, वो क्या करता है, इस कंप्रेस एयर को रिलीज कर देता है। अब जैसे ही कंप्रेस एयर को रिलीज करेगा, ये कंप्रेस एयर आकर क्या करेगा, यहाँ पर जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ना इसके ऊपर जोर से स्ट्राइक करेगा, बहुत जोर से इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा। जैसे ही स्ट्राइक करेगा यार, तो क्या होगा, यहाँ पर जो मूविंग कॉन्टैक्ट है ये इस फिक्स कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ा हुआ था, ये सेपरेट हो जाएगा। जैसे ही सेपरेट हो जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक आर्क प्रोड्यूस होगा। अब इस आर्क का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वो क्या करेगा, यहाँ पर जो एयर है इस एयर को आयोनाइज करेगा एंड आयोनाइज करके एक पाथ क्रिएट करेगा एंड फिक्स कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन जो कॉम्प्रेस एयर है वो तो आता ही रहेगा, वो कॉम्प्रेस एयर क्या करेगा, इस आर्क को ऊपर की तरफ धकेल देगा। अब जैसे ही ऊपर की तरफ धकेल देगा, आर्क क्या होगा, यहाँ पर जो स्प्लिटर लगा है ना, आर्क स्प्लिटर, ये आर्क स्प्लिटर क्या करेगा, इस आर्क को बहुत सारे हिस्से में डिवाइड कर देगा। अब जैसे ही आर्क को बहुत सारे हिस्से में डिवाइड कर देगा तो क्या होगा, इस आर्क की जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जैसे ही खत्म हो जाएगी तो ये आर्क क्या होगा, बुझ जाएगा, मतलब एक्सटिंग्यूश हो जाएगा। कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्यूश करने का तरीका यही है। यार सर्किट ब्रेकर कम टाइम में आर्क को एक्सटिंग्यूश ऐसे ही करता है। कोई सा भी यार सर्किट ब्रेकर देख लो, सबका वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही होगा। जो कंप्रेस्ड एयर है वो आकर यहाँ पर मूविंग कॉन्टैक्ट के ऊपर स्ट्राइक करेगा एंड मूविंग कॉन्टैक्ट जैसे ही हट जाएगा तो यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस होगा, उस आर्क को ये एक्सटिंग्यूश कर देगा, जो कंप्रेस एयर है वो धकेल देगा एंड वो आर्क एक्सटिंग्यूश हो जाएगा। सबका वर्किंग प्रिंसिपल लगभग सही है। तो यार सर्किट ब्रेकर ऐसे ही काम करता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे दबा दो, और अगर आपने वैक्यूम सर्किट ब्रेकर या फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर का वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पर जा सकते हो, वहाँ पर वीडियो है, आप देखो।